बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में वर्ण के बारे में पढ़ा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जैसे आ, ई, क, म, ल। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, जिसमें अम और आहा ये दोनों अयोग्यवाह हैं, और व्यंजन कुल 35 होते हैं। दो व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार इसके उच्चारण में हम केवल नाक से ही निकलती है। इसमें अम की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक में चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, विसर्ग में हा का प्रयोग किया जाता है, और रागे ये विभिन्न रूप हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में शब्द के बारे में पढ़ा था कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और वे ही शब्द सार्थक होते हैं जिनका कोई मतलब होता है। वे शब्द नहीं होते जिनका कोई मतलब नहीं होता है, और शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। तो हमने कई शब्द पढ़े थे उसके बारे में। हमने तुक मिलाते हुए शब्द पढ़े, जैसे केला, ठेला, मेला, रेला। विपरीत अर्थ वाले शब्द पढ़े, अंधेरा, उजाला, पक्का, कच्चा। अ लगाकर विपरीत शब्द वाले शब्द पढ़े, न्याय, अन्याय। दुल लगाकर विपरीत अर्थ वाले शब्द पढ़े, गुण, दुर्गुण। अन लगाकर विपरीत अर्थ वाले शब्द पढ़े, आदर, अनादर। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिस शब्द का एक समान अर्थ निकले उन्हें पर्यायवाची कहते हैं, जैसे कि धरती, भूमि, पृथ्वी, धरा। इसी प्रकार हमने ये भी पढ़ा था कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो ईश्वर को मानता हो उसे एक शब्द में हम आस्तिक कहते हैं, और जिसमें बल ना हो उसे हम निर्बल कहते हैं।